तो स्टूडेंट्स सुबह के बज रहे हैं, आप भैया वाले देख सकते हो, 3:17 हो गए हैं, सुबह के 3:17 हो चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हो। अभी हाल में आज 8 अप्रैल यानी आज 8 अप्रैल है, तो आज का पेपर है जो आप लोग देख सकते हो, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, जो आज आपका होने वाला है कक्षा ग्यारहवीं का विषय भौतिक शास्त्र का संपूर्ण सोल्यूशन इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक, चलिए, तो जो आज आपका पेपर होने वाला है तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोगों के लिए मैं सुबह सुबह से वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत के साथ, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग संपूर्ण सोल्यूशन बताया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। ठीक बच्चों, चलिए इसी पैटर्न से चलिए, तो ये इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए है। चलिए, तो सब काम रहेंगे आप जो समय सही विकल्प जो हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए, जैसा कि पहला आप लोग पढ़ सकते हो, पहले विकल्प में लिखा है वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बच्चों यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है। ठीक बच्चों, चलिए, तो इसमें हो जाएगा आपका दाब, क्या हो जाएगा बच्चों, दाब। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट लिखा है आप लोग सामने, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं, जो कैलोरी मापी होते हैं वे बनाए जाते हैं, तो काय के बनाए जाते हैं, तो तांबे के बनाए जाते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक शयान है, मतलब इनमें से कौन सा सबसे अधिक शयान है, तो इसका आपका शहद हो जाएगा। चलिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या एक प्रतिशत बढ़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वहीं रहे, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा, बढ़ेगा घटेगा या अपरिवर्तित, इसमें आपका बढ़ेगा। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो उसके ज्यामिति केंद्र पर। ओके बच्चों, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट, धनुष से छोड़े गए तीर में होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो बच्चों गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो क्या है, तो इसमें हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरे कम्प्लीट हो जाते हैं, जो आप लोग देख सकते हो बच्चों, एक बार और देख लीजिए ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें और सीख सकें, तो आप लोग वीडियो को डूब डूब के इसको पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को एक बार नहीं तो हज़ार बार भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और, तो बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लेंगे। चलिए बच्चों, अगला है आपको सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, तो हम लोग रिक्त स्थान भरते हैं। जैसे पहला लिखा, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिष्ठा क्या होगी, तो पाद ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिष्ठा घटती है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटती है। ठीक, दूसरा लगा प्रोटोन का संवेग होता है, तो कैसा होता है प्रोटोन का संवेग, तो आप लोग एच बटे इस प्रकार से। फिर चार्ल्स का नियम पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है, तो आप लोगों को समदाबी प्रक्रम पे, समदाबी प्रक्रम, प्रक्रम लिखते ना, हाँ तो प्रक्रम हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल पर निर्भर करते हैं, तो किस पर करता है, तो द्रव्यमान पर, द्रव्यमान। जड़ एक राशि है, तो कैसी राशि है, अदृश्य राशि है। 1 किलोवाट घंटा जूल होता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आप लोग हो गए 1 किलोवाट जूल होता है, तो बोले हो गए 3.6 × 10^6। वृत्तीय बलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो कैसा होता है, तो ज्यामिति केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट, आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, सॉरी अब सही जोड़ी कंप्लीट करते हैं हम लोग, सही जोड़ी आप लोग सामने बच्चों कुछ प्रकार होने वाली है। चलिए, जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने बल द्रव्यमान, बल द्रव्यमान का मिला हुआ आप लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से, लगा ML2T1, तो बा वाली का मिला हुआ आप लोग कोणीय संवेग से, पहले कहोगे LeV, इसका मिला हुआ आप लोग 1.6 × 10^-जूल। जड़त की माप, यानी जड़त की माप मिला हुआ आप लोग द्रव्यमान से। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मिला हुआ है आप लोग रेडियन से। अपकेंद्रित, अपकेंद्रित मिला हुआ यहाँ पर दूर से कहीं निकालना। फिर मिला हुआ आप लोग व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण आपको मिला हुआ ऊर्जा संरक्षण से। तो बच्चों इस प्रकार से आपके सामने सही जुड़ी भी कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट बच्चों आपके सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करना है। चलिए हम उनको भी कंप्लीट करते हैं, तो पहला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पहला दिया गया है
इस प्रकार से पहला लिखा आपके सामने, एक पिंड अचल चाल से गति कर रहा है, उसकी गति त्वरित कब होगी, त्वरित कब होगी। तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे। ठीक, ये लिखना आपको आंसर जी, जब वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे तब होगी जी। बुझला, एक एक घन द्रव्यमान कहाँ पर संकेतित होता है, तो लोग लिखोगे उसके ज्यामितीय केंद्र पर। ठीक, फिर लिखा है गुरुत्व भाग मात्र विमीय सूत्र लिखिए, तो आप लोग जूल प्रति किलोग्राम। फिर लिखा होगा इस प्रकार से कुछ टकला होगा एल स्क्वायर टी टू, ये हो जाएगा। चंद्रमा पर गुत्ती त्वरण पृथ्वी पर गुत्ती त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, एक बटे छः गुना। ठीक, फिर लिखा एक परमाणु गैस की सघनता की कोटि कितनी होती है, तो कितनी होती है तीन। सेकंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है, तो कितना होता है दो सेकंड। और सैलोलक का अधिकतम दो बजे हो गया, सेकंड लोला का वह जे है, सैलोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है, तो चौरासी दशमलव छः मिनट। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट दिया जाता है आप लोग सामने प्रश्न, जो देखते हो व्युत्पत्त माप मात्रक से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्युत्पन्न से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा मात्रक से क्या है, वेग तथा संरक्षण वेग में अंतर लिखिए। तो अच्छे चलिए मैंने के भी आंसर आप लोग दिखा देते हैं, ताकि आप लोग पास में अभी भी एक दो घंटे तीन घंटे का टाइम है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, चलिए पाँचवीं का आंसर आप लोग सामने जी हो जाता है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब देखा तो व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप लोग हो गई भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रों के पदों से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक के पढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थियों, चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र। ठीक है, आपको क्या देखना है, studynotespj.com ही देखना है आपको। ठीक है, इस पर पीजे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, studynotespj.com लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है। ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स की और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, तो यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया है तो सेट का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट है और बीका है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेग तथा तात्विक यानी वेग तथा तात्क्षणिक वेग में से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये थोड़ा पास कर दो। एक मिनट बच्चों, वेग तथा, हाँ अब देखा होगा किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वेग का वेग, उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर वस्तु वेग को तड़क्षण वेग कहते हैं। तो इस प्रकार चालू प्रश्न का आंसर सीख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न देख रहे हैं, तो अगला प्रश्न अब केंद्रित त्वरण से आप क्या समझते हैं, घर्षण कैसे कहते हैं, संवेग कैसे कहते हैं। चलिए 7वां, 8वां और 9वीं तक देखते हैं, जी को शब्द किससे कहते हैं, तो 7वां आपका जी हो जाता है आंसर। ठीक, 7वीं का ये हो जाएगा। ठीक, अब केंद्रित के त्वरण से क्या था, ठीक 8वीं का आंसर ऐसे ही कहेंगे, सब भी कितने कैसे कहते हैं, एस सदस्य या दस राशि। ठीक, इस बात वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद 9वीं का आंसर ये है। ठीक,
चलिए इसी प्रकार से हम लोग दसवीं का भी देख लेते हैं। तो दसवीं प्रश्न में पूछा गया था ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो बच्चों ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट हैं, जो आपका जो आज पेपर होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग इन्हें एक बार जरूर डिवीजन के तौर पर इन्हें सीख लीजिए, ठीक। तो वैसे आप लोग बनता भी होगा, फिर भी आप लोग इनको पढ़ लेना थे। प्रश्न क्रमांक 11 बीन का स्थापन नियम क्या है, ठीक। ये भी देख सको बच्चों, अगर आप लोग वहाँ पर समझ में नहीं आए तो मैं इसका आंसर आप लोगों को इस PDF को भी दे दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया था गुरुत्वीय त्वरण ने जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। प्रश्न क्रमांक 13 में जो पूछा गया था संरक्षित और आरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, दो दो उदाहरण लिखिए। तो लोग वीडियो को रोकना है, इसके उदाहरण भी सीखना है और संरक्षित बल और संरक्षित बल को पढ़ना है, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 में देख लेते हैं। तो इसमें इस प्रकार से पूछा गया जो आप देख सको गतिमान वस्तु की संवेग प्रगति ऊर्जा में संबंध को संबंधित कीजिए। तो ये आपको पूरा ओके पढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें पूछा किसी पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके व्यंजक ज्ञात कीजिए। 15वीं का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये भी उसका आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सब पूरा PDF हम आपको क्योंकि इस प्रकार से बताएंगे तो वीडियो में लंबा, तो PDF ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए और आप लोग अच्छी तरह से इन सही प्रश्नों के आप लोग आंसर जो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, ठीक। इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर आपको मिल सके। तो इस पर PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए या आप लोग स्टूडेंट नोट्स पेज द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जो वेबसाइट में बताया गया है। मिलते हैं, तब तक लीजिए जय भारत।